अरे लाइया, बहुत अफसोस है। इस समाजवादी पार्टी का बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी से लगातार जुड़े रहना, और जब कभी नेताजी ने या समाजवादी पार्टी ने हम लोगों ने आह्वान किया होगा, सुरेंद्र हमेशा आगे रहा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसने, और कभी भी समाजवादी आंदोलन को उसने कमजोर नहीं होने दिया। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कुछ हो सकता था, अपने संसाधन जुटाना, अपने साथियों के साथ मेहनत करना, लगातार समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार के सदस्यों से मिला हूँ, उनके साथियों से मिला हूँ, हर साथी बहुत ही दुखी है। मैं उनके परिवार से मिलने आया था, उनका दुख बांटने आया था। आज ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण खत्म किया जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं, वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सभी को अमल, अरे जरूरी ये है कि ये जो आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सब छीन लेगी भारतीय जनता। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को। अरे न्योता तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो, अगर तुम्हारी जेब में हो रहा इनविटेशन। आप उनसे भारत जोड़ो यात्रा, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है जी, लेकिन हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इनविटेशन हो तो हमें दिखा दो, अगर मिलता है तो फिर क्या, तो आप जैसा मैं बोलूंगा नहीं जी। बिल्कुल, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है जी। सरकार जानबूझ कर करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे कंपनियां, एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल, तो और यहां तो दिखाई दे गया, जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात, आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? बिल्कुल, क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी के जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। अखिलेश जी, आज ओम प्रकाश राजभर का एक पोस्टर लगा गया है, वो मेरी जानकारी में नहीं आया है, और वो जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, थैंक यू। विधायक चुनाव में कितनी मजबूती के साथ सपा खड़ी होगी? अरे पहले आरक्षण बचाओ, फिर चुनाव लड़ो। पहले आरक्षण बचाओ, और आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने, अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे।